रोती है वो। दोनों पैर निकाल दो। पढ़ाई हो रही है और इधर हमारी आरना की पढ़ाई हो रही। लाडा क्या लिख रहे आप? आ क्या लिखते हैं? हाँ, क्या लिखोगे आप? सब इधर हमने बनाए हैं मोमोज, ये फीके वाले हैं, ये चरके वाले, इधर कुछ फ्राई हो रहे हैं और इधर अब बनाऊंगी मैं चटनी। है आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बारिश के मज़े ले रहे होंगे। फिलहाल हमारे यहाँ तो नाइट में बारिश हुई, मॉर्निंग में बंद हो गई थी। कितनी 9:30 बजे बारिश पूरी बंद हो गई थी और ना मेरा काम हो गया है और आज मैं जा रही हूँ प्रिंसी को वैक्सीन लगवाने के लिए। 1.5 साल की हो गई है तो आंगनवाड़ी से फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि बेटी को ले आओ वैक्सीन लगवा लेना, इंजेक्शन टीका जो बोलते हैं, बोले वो लगवा लेना। तो उसको अब टीका लगवाने जाते हैं। ऐसे तो बोलते 24 मंथ तक लग जाएगा, 18 से 24 मंथ के बीच में लगता है, नहीं 16 से 24 मंथ के बीच में ऐसा कुछ लगता है। तो अभी लगवा लेते हैं, फिर बाद में कहीं आना जाना हुआ तो इस वजह से कभी रह जाता है, इसलिए हम अभी लगवा लेते हैं। और सेकेंड बात, हमारा उज्जैन जाने का चल रहा है। मैं बोल रही हूँ कि अपन जाएंगे 6 तारीख को और शिवाय बोल रहे हैं नहीं अपन जाएंगे सितंबर में, क्योंकि अभी ना होटलें पूरी फुल होगी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बोले सितंबर में अंदर के दर्शन भी हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। अभी है ना बोले अभी है ना अपने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे, पालकी भी निकलेगी तो इतने अच्छे से देख नहीं पाएंगे अपन। क्या करूँ यार मैं, एक मन हो रहा हाँ एक मन हो रहा नहीं। शिवाय बोले अगर अपन होटल लेते भी हैं तो जो होटल के रूम का रेंट होगा चार्ज होगा 1500 रहता है, तो अभी अपने से 3000 से 4000 रुपये चार्ज लेंगे, क्योंकि बोले यही उनका सीज़न है, कुंभ का मेला, शिवरात्रि, फिर श्रावण, इसमें ना इनकी होटलें फुल रहती है और ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो बोले अपन क्या करें यार, मेरा तो मन है जाए बट ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, देखते हैं अब क्या है। जो भी होगा अभी तो जाते हैं, लाडो को वैक्सीन लगवा के आते हैं, मम्मी के घर है। आज मैंने बनाई है मटर दाने की सब्जी, पनीर नहीं बनाया, पनीर डाल देते तो हो जाता मटर दाने देते हो, मटर दाने की सब्जी। अरे महादेव बोलते बाबू लिक्विड चाहिए मेरे को। इधर मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, मम्मी के घर चाशनी बची थी तो मम्मी बोले सी तू बहुत सारी चाशनी क्या करे, बोले पराठे बना ले पूरी बना ले। मैंने बोला एक काम करो आधी चाशनी मेरे को दो आधी तुम रखो, पाव भर मावा मेला थी पाव भर तुम लाओ, तो पाव भर मावा ला के मैंने बनाए, पाव भर मावा ला के मम्मी ने बनाए, बन गए हमारे गुलाब जामुन। कितने कितने बने? मेरे 30 बने और शायद मम्मी के कितने बने ये नहीं मान। उसमें आटा मिला लो और अच्छे से मल लो, पता है आजकल का मावा ऐसा आता है ना कि उसमें सोडा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतने इतनी इतनी सी लोई बने हमने, इतने बड़े बड़े हो गए, बहुत अच्छे बने थे गुलाब जामुन। लो मम्मी आओ मेरे ही घर, आ जाओ चाबी मेरे घर है, मम्मी बोले चाबी लेके आओ, आओ तो उसको आएगी तो उसको डायपर पहना दूंगी, एक केक खिला दूंगी और ले जाऊंगी। आज दाल चावल मैंने नहीं बनाए, मम्मी ने बनाए हैं, तो वहाँ से खिला दूंगी। ताला भी इतना भर के रखा हुआ है मेरे, ताला तो नहीं बोल सकती हूँ, बच्चे के ही कपड़े कुरकुरे हैं, कहीं जाओ तो पर्स ऐसा कैसा ले जाओ, इनकी ढूंढ रही हो अंदर से लेके आती, गर्मी बहुत हो रही, कल तो सबसे ज़्यादा गर्मी थी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, कपड़े भी नहीं सूखे मेरे। हाँ ले लो आप ले लो, ले उधर एक हाथ में और एक पैर में लग गया, ले लो कौन सा पैर, लेफ्ट वाले, पहले तो आप हाथ में लगवा दो, हाथ की दवा उधर मुकर पलटा दे, बहुत वो है छोरी बहुत तेज है वो, इधर से लो जरा सांस निकलने दो, वो रोती ऐसी जे रोएगी वो नहीं रोएगी अपना
मसाला नहीं है। बेटा मैं भी सुई लगा दूंगी नानी को। ठंडे पानी की पट्टी रखना, बुखार आया तो बुखार आया कि नहीं आया, फिर भी आपको उसको 3 दिन बुखार की दवाई देना है, ठीक है? परेशान होती है और उसको एक बार और। अरे अब तो कहीं नहीं, अब तो मम्मा को लगेगी, मम्मा को लगाएंगे। पकड़ पैर धीरे से निकालो, उसमें पैर दबेगा, उसमें ना निकाल, दोनों पैर निकाल दो। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, हमने लगवा लिया प्रिंसी गोटी का, एक पैर में और एक हाथ में लगा है, लग गया। और दूसरी बात, मैंने इसका लाडली योजना में करवाया बड़गांव में, उन्होंने 3 से 4 बार मेरे से डॉक्यूमेंट ले लिए, लाडली योजना का कर दिया बच्ची का, बट अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पूछूंगी, वहाँ हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर हाँ से खरगोन से करवाऊंगी मैं, कुछ तो करवाऊँ यार, मेरे खुद के पैसे नहीं आए थे, केयरलेस लोगों। तो अभी मेरा बेबी सो गया है, उसको सुला दिया, 2:30 बज गई है, उसको ना 2 टीके लगे, एक हाथ में और एक पैर में, राइट हैंड में, लेफ्ट पैर में। तो उसकी ना अच्छी बर्फ से सिकाई करके उसको दवाई लेके सुला दिया, और अभी तक ना मैं दूध गर्म करूँ। सुबह 10:30 बजे का दूध लिया है, मेरा अभी दूध नहीं गर्म हुआ, फ्रिज में रख दिया मैंने, और मेरे मॉर्निंग के बर्तन भी रह गए हैं, इनको भी क्लीन करती हूँ सब। तो जाएगी तो अभी 3 दिन तक डॉक्टर ने बोला है, मतलब वो मैम ने बोला है कि 3 दिन तक उसको फीवर आएगा, तो अगर खेलती भी रहे ना तो भी आपको उसको दवाई देना है, क्योंकि अंदर हड्डी में फीवर रहेगा, बॉडी के अंदर फीवर रहेगा। तो उसको एक बार दे दिया, नाइट में और दवाई शिवाय से बुला के और दे दूँगी, अभी फटाफट से इनको क्लीन करती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कपड़ा क्यों बांधना है, ये कपड़ा इसलिए बांधना है क्योंकि नाइट में देर से सोते, सुबह जल्दी नहीं उठाता और पीने का पानी भरना रहता है, नींद तो खुलती नहीं, नल सुबह से आ जाते हैं 7 बजे से, तो बाल्टी मांझ के बेसिन अच्छा क्लीन करके बाल्टी रख देती हूँ उसके अंदर, और थोड़ा सा नल खोल देती हूँ, तो बूंद 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 में बाल्टी मेरी पूरी भर जाती है, और छानने की ज़रूरत नहीं रहती, कपड़ा है ऑलरेडी छन जाता है। जल्दी जल्दी से ये काम करो, तो अब भी उठता वो, देर से सोया है वो। तो मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए, अपने जूतन वगैरह जो है वो डाल के आ जाती हूँ, वरना बहुत गंदी स्मेल आई है, तो सब मैं डाल रही हूँ। तो अभी मैं जूतन वगैरह फिट कर रही हूँ, और पता है गाय ने मेरे को मारने थोड़ी, काले कलर की गाय थी, मारने थोड़ी तो खाई थी, तो 6 मिन देख लिया मैं डाल रही थी, और गाय मेरे को लगा खाने लग जाएगी, तो सिर गई थी मेरे ऊपर, जैसे खाना खाया हुआ है जैसे कुछ झूठन रहता है, कोई भी बर्तन में रखे तत्काल फेंकाता है,
अब नाइट का रहता है तो हम देर से खाना खाते हैं तो नाइट में फेंकने जा नहीं पाती मैं। बाई चांस फेंक भी आती हूँ बट उसकी ज़्यादा देर हो जाती है, 12:30 बज गई थी, फेंकने नहीं जा पाई इस वजह से मॉर्निंग में जाना, और मॉर्निंग में भी नहीं फेंकने गई तो अभी फेंकने गई। तो पता है मेरी जूतन की बाल्टी में इतनी क्लीन रखती हूँ कि आप बोलोगे ये जूतन की बाल्टी बहुत ज़्यादा क्लीन। उसको अपन बर्तन मांझते ना ऐसे उसको भी मांझती हूँ मैं रोज डेली, जब जब जूतन फेंक जाती तब जाती हूँ। ये है मेरे जूतन की बाल्टी जो कि आप देख सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी थी। बहुत सो के घर में ऐसी बाल्टी रहती है कि आप उसको ढक्कन खोलने में या उसमें जूतन डालने में ही ऐसा लगता है कि बाप रे क्या है, बट नहीं उसको एकदम क्लीन रखती हूँ बाल्टी को। ये देख सकते हो मेरे जूतन की बाल्टी पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है, अब मैं कर दूंगी यहाँ पे क्लीन। और अभी बहुत कमेंट आ रही दीदी बाहर के ब्लॉग दो घर के हम देख के बोर हो रहे हैं, तो अभी बाहर के ब्लॉग अभी हम जाने का हमारा चल रहा है और बेबी रहता है एक हाथ में तो फिर शूट नहीं कर पाती हूँ, अगर बच्चा कोई और संभाले तो आपको मैं बहुत अच्छे बहुत सारे ब्लॉग दूँ। अभी प्रिंसी अगर गाड़ी पे आके बैठने लग जाएगी ना तो ज्यादा ही मजा आ जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स के तो हेल्पर रहते हैं जो कि शूट कर देते हैं, मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं है, आप देखते हो कोई भी नहीं मेरी हेल्पर करता है, अब सब मेरे को ही करना पड़ता है जितना भी शूट रहता है, वो प्रमोशन हो या खुद का हो कोई साधु सब शूट मेरे ही रहते हैं, अपने हाथों से मैं करती हूँ। बच्चा सो रहा है जब तक क्लीन कर लो, बच्चा उठा के आपकी क्लीनिंग किसी काम की नहीं कर ही नहीं पाते हो ना, आपकी टाइम नहीं मिलता। तो फाइनली मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो गई है, पोछा तो मैं लगा कर चली गई थी, अब मैं करती थोड़ा रेस्ट नहीं तो बेबी उठ जाएगी तो रेस्ट भी नहीं होगा और नाइट में भी नहीं रेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो नाइट में भी जगेगी, उसकी तबीयत खराब है इसलिए, मेरे को पता है इसको तबीयत खराब होती ना तो फिर वो जगती है, एक लाइट जलने देती। इधर हमारे अद्विक सर की पढ़ाई हो रही है, इधर हमारे पप्पू सर की पढ़ाई हो रही है और इधर हमारी आरना की पढ़ाई हो रही है। लाडा क्या लिख रहे हैं आप? आ क्या लिखते हैं? हाँ यहाँ लिखो आरना, हाँ लिखो हो आरना, अच्छे से लिखना, क्या लिखोगे आप? अन्ना। तो अभी इधर हमने बनाए हैं मोमोज, ये फीके वाले हैं, ये चरके वाले, इधर कुछ फ्राई हो रहे हैं और इधर अब बनाऊंगी मैं चटनी। करो चल थोड़ा सा मैगी मसाला डाल लेती बस। आरी रुक जा जरा, प्रिंसी अलग परेशान कर रही है। क्या दो प्रिंसी? नुन्नूज। कौन खाएगा? ये नुन्नूज दे दूं। इधर देखो फ्राई हो रहे हैं और इधर हमारी नुन्नूज की चटनी बन रही है, नुन्नूज की काय की क्या जो काटा मिले से घो काटा डाला तुमने, बहुत बढ़िया करा, थोड़ा इसलिए टेस्ट अलग लग रहा है।
देर ही बेटा गर्म है, अभी ठंडे होने दो। हाँ जो नहीं लगे कुरुम कुरुम लगे। हाँ वो तो है। आ गया फोन उठा, ले बात कर बोलना। हाँ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बात करो। किसका फोन आया था, क्या बोला, तो क्या बोला डेडा ने? हाँ लाडो बोला। जा नाना बुला रहे, गई ऐसे बोलती। हेलो, हाँ डेडा आ जाओ। वो बात कर रही थी, फिर मैंने कैमरा ऑन करा। अल्लाह यार क्या बोल रही, सुनो तो सी। कल पापा बैठे थे, पापा का कॉल आया, तो अपन बोला हाँ जी, तो बोलती हाँ जी हाँ आ जाओ। बहुत प्यारी बोलती है, अपन जैसा बोलेंगे सेम वैसा बोलेंगे। एक दिन है ना गुलकान फेंक दी, बोला ओ औलाद काम बढ़ा दी, बोलती ओ औलाद, मेरे को बोलती वो हो, शैतानी मचाती बहुत ज़्यादा। और हमने जो मोमोज बनाए थे उसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, तो टेस्ट बिगड़ गया क्योंकि स्पाइसी लग रहे थे, बाकी तो सब टेस्टी था। और मार्केट की चीज़ मार्केट की ही होती है यार, ये बात तो देखी। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और हम खा रहे हैं खाना। आपके जीजू ना ये लाइट नहीं ऑन करने देते, मुझे बोलते कि तुम ये लाइट ऑन करते ना तो आँखों में चुभता है, और सच्ची में आँखों में चुभता है। बट आपको हमारा फेस वगैरह ये सब पूरा क्लीन दिखता है, क्लियर दिखता है, अंधेरा वगैरह नहीं आता। इधर आपके जीजू जला रहे हैं फोन, और इधर है हमारा खाना। आज बनी है कड़ी खिचड़ी और गुलाब जामुन। आ जाओ खा लो, हमारे लास्ट है, गुलाब जामुन ख़त्म हो गए। अब कल मावा लेकर आऊँगी मैं, कल या परसों और बनाऊँगी फिर गुलाब जामुन। चलो आओ खाओ खाना, और क्या मैं स्टार्टिंग करूँगी गुलाब जामुन से। मेरे को तो देख के ही पेट भर गया है भाई साहब। क्या क्या? मेरा तो देख के ही पेट भर गया है। क्यों लो, कैमरा बंद होगा, गपा गप जाएंगे पेट में। पता है मीठा खा लो ना, फिर खाना खाने का मन नहीं होता, इसलिए मीठा बाटली में खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा खा लिया। ये देखो उठा रहे थे बट कैमरा चालू कर दिया। चलो खाओ खाना, और क्या आ जाओ खा लो कड़ी खिचड़ी। तो अभी टाइम हो रहा है 12:12 में, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नींद आ रही है ना कि क्या बताऊँ। कल रात को मैं सोई 2:30, मेरा बच्चा परेशान करा करा, और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। और इधर आपके दीदी मेरे लिए लेकर आए हैं, सॉरी मेरे लिए नहीं प्रिंसी के लिए लेकर आए हैं कुल्फी। बट हमारा फ्रिज ऐसा है कि ना आइस नहीं करता, करता भी है तो सिर्फ कूलिंग करेगा, हाई पावर वाली ऐसी चीज़ जैसे कि बर्फ वगैरह नहीं जमाता है वो। तो अभी मैं खा रही हूँ उसको, मैं कल सुबह दूसरी ला दूँगी। अभी मैं इसको खाती हूँ, भूख भी लग रही है। देखो मैंने बोला था ना, आप बोलोगे कि खाने के लिए, ऐसा बोल रही है। फ्रिज में रखी थी पूरी तरीके से, देखो मेल्ट हो गई है, जबकि फ्रिज में कुछ भी चीज़ मेल्ट नहीं होती है, बट हमारे फ्रिज में हो जाती। देखो फ्रिज में रखे रखे मेल्ट हो गई पूरी, चूरा चूरा पिघल गई। हमारा फ्रिज ना बिगड़ गया है, अब अगले साल ही लेना पड़ेगा, नहीं अभी तो नहीं लिया है, पूरी पिघल गई है, तो मेल्ट है पूरी। सुबह तक रहती ना तो पन्नी के अंदर पूरी पिघली हुई रहती। आ जाओ आइसक्रीम खा लो। और मेरे बेटे को ना बुखार आ रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है उसकी। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को हिट करना तो भूलना ही मत, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे और मैं आपको अपनी लव स्टोरी दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ आइसक्रीम खाते रहिए। आ जाओ बिगड़ गए।